जेजू टेक इंस्टीट्यूट में एज ए लैपटॉप टेक्नीशियन काम करता हूँ। और हमारा यह सेंटर दिल्ली तिलक नगर में है। अगर आप हमसे लैपटॉप डेस्कटॉप की क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे सेंटर में विज़िट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है या चलते चलते कहें तो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम बहुत बार देखी है, लैपटॉप में भी देखी है और डेस्कटॉप में भी देखी है। ठीक है, तो इसको कई तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो, ऐसे चेक करो, वैसे चेक करो, लेकिन उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, इसके लिए आपको डीसी सप्लाई मशीन दिखाई जाती है कि डीसी सप्लाई मशीन का यूज़ करो, ब्ला 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 ब्ला। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ, ठीक है, कि हम लोग आपको किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हम आपको क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज के मेरे क्लास का मॉड्यूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग यहाँ पर कराते हैं, तो कुछ चीज़ें यूँ कहें कि ज़्यादातर हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताते हैं कि मतलब किस तरह के फॉल्ट्स आ सकते हैं, उन फॉल्ट्स को आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। ये ना हो कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएं और आप बिल्कुल एक फ्रेशर की तरह बिहेव करें कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो सिर्फ थ्योरिकल पढ़ाया गया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कराया गया है, इसके अलावा मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो मैं किसी शॉप पर जाकर वर्क करता हूँ। आपके साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको कंपोनेंट से लेके बोर्ड की टेस्टिंग तक हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, और उसी के लिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देख सकते हैं मेरे सामने, आपके सामने सॉरी, ये एक मदरबोर्ड है। ठीक है, अब इसमें वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई, ये चल के बंद हो जाता है, चल के बंद हो जाता है। तो शुरू करते हैं आप आज की क्लास। मेरे पास कोई डीसी मशीन नहीं है, ये मेरे पावर का, ये मेरा सॉरी लैपटॉप का अडैप्टर, आप देख सकते हैं ये अडैप्टर है और इसकी कोड है, मैं इसी को सिर्फ इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और इसी से मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने पावर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे पावर बटन को प्रेस करता हूँ फ़ैन रन करेगा और फिर सडनली सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रन हुआ और ये सडनली चल के ऑफ हो गया, रन हुआ और सडनली चल के ऑफ हो गया, एक बार फिर रन हुआ और सडनली चल के ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करें, कहाँ कहाँ चेक करें, तो इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली जानना है तो आपको हमारे सेंटर पे विज़िट करना होगा और हम आपको सारी नॉलेज आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये चल के बंद हो रहा है, फ़ैन प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि चल के सिस्टम बंद हो जा रहा है, ज़्यादातर जो बोला जाता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो अभी आपकी जो प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ इस सिस्टम में, वो ये है कि इसका सारे सेक्शन प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं तभी ये सिस्टम प्रॉपर ऑन होके बंद हो रहा है। मतलब ये है कि हमें आईओ कंट्रोलर पे अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि हमारा सिस्टम प्रॉपर ऑन ट्रिगर होके ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से होगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर वीआरएम सेक्शन से। ठीक है, अब वीआरएम सेक्शन को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग भी हो जाए क्योंकि ये लाइव प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सीपीयू को भी बाहर निकाल लेंगे एक मिनट के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर मेरे पास है। अब मैं आपको एक बार टेस्ट भी करा देता हूँ सीपीयू निकालने से पहले। ये मैंने मीटर को सेट कर दिया। अब एक प्रॉप को मैंने ग्राउंड पर रख लिया और एक प्रॉप से जैसे ही ये जो मॉसफेट देख रहे हैं, इन मॉसफेट की फॉल्ट की वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपका सिस्टम चलते चलते बूट
चालू होके बंद होगा, चालू होके बंद होगा, यानी प्रॉपर वर्किंग आपका सिस्टम नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर से बीप आ रही है, इधर से बीप आ रही है, इधर से बीप आ रही है, इधर से बीप आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि इन मॉसफेट में से कोई एक मॉसफेट फॉल्टी है जिसकी वजह से वीआरएम सेक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को निकालेंगे और बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे कि वाकई में इनमें से कोई मॉसफेट फॉल्टी है या और कहीं से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि ज़्यादातर पहले वीआरएम सेक्शन से ही प्रॉब्लम आती है, उसके बाद फिर कहीं और से आएगी। तो शुरू करते हैं, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद हम इस सीपीयू सेक्शन को निकाल लेते हैं बाहर। ये हमने सीपीयू को, प्रोसेसर को ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल के बाहर कर दिया है। अब हम इसको SMD के थ्रू इन कंपोनेंट्स को निकाल के बाहर टेस्ट करेंगे कि फॉल्टी है कि नहीं। ठीक है, तो हमने CPU को निकाल के बाहर कर दिया है। अब हम SMD के थ्रू जो ये दो MOSFET बीप कर रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे कि वाकई में फॉल्ट यहाँ से है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ या कोई भी वीडियो में एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ ऐसी होती हैं क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं वीडियो बनाने का। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहले एक मॉसफेट को निकाल के टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको चेक करके प्रॉपर उसको लगा देंगे। उसके बाद दूसरे मॉसफेट को निकालेंगे, उसको चेक करेंगे और उसको प्रॉपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और काम करने में आसानी रहेगी। जो होता क्या है कि जब हम बहुत सारे मॉसफेट निकाल देते हैं, ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उनको प्रॉपर से लगा नहीं पाते, और जब उनको प्रॉपर लगा नहीं पाते तो फिर कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम इसे प्रॉपर हीट करेंगे पहले। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हमारे प्रैक्टिकल और जिसको बोलते हैं आपकी थ्योरी दोनों साथ साथ चलेंगी। ठीक है, तो देखते रहिएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो उसके लिए तो आपको सेंटर आना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम आपको डिटेल में ब्रीफ कर सकें और बता सकें, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसा मैंने बताया, मेरे सेंटर का नाम JHU टेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर में है। ठीक है, यहाँ पे हम लैपटॉप मोबाइल दोनों की क्लासेस चला रहे हैं अभी। यहाँ मॉसफेट है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, तब तक ये प्रॉपर हीट नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा मॉसफेट निकल चुका है, देख सकते हैं। देखो, थोड़ी देर छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडा होगा उसका उसकी टेस्टिंग करेंगे।
मैं देख रहा हूँ माउस पे। ठीक है तो शुरू करते हैं। ये वैल्यू दे रहा है एक तरफ से, दूसरे साइड से कुछ नहीं बता रहा, मीन्स की है तो सका है तो ये ओके है। अगर कोई मॉसफेट अंदर भी बीप कर रहा है और निकालने के बाद बाहर भी बीप कर रहा है, इट्स मीन कि वो फॉल्टी है। ठीक है जैसे अब यहाँ देखेंगे तो इसमें भी शॉर्टिंग है, मतलब कि मॉसफेट हमारा ओके है, बोर्ड में किसी और मॉसफेट से शॉर्टिंग हो रही है। तो मॉसफेट तो हमारा ओके हो गया। ठीक है तो हम इसको दोबारा एज इट इज़ यहाँ पर लगा देंगे। तो पहले हमने आपको मदरबोर्ड पे टेस्टिंग करके दिखाई, ठीक है, कि वीआरएम सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो हमने मदरबोर्ड पे पहले एक मॉसफेट को टेस्ट किया तो वो शॉर्टिंग शॉर्ट बता रहा था, और जब हमने उसको मदरबोर्ड से बाहर निकल के टेस्ट किया तो वो शॉर्टिंग नहीं थी उसमें, लेकिन जब हमने बोर्ड पे टेस्ट किया तो शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा था। ठीक है तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अब हम इस कंडीशन, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा वीआरएम सेक्शन फॉल्टी है। ठीक है, और जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी तब तक हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क या हमारा वीआरएम सेक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बोर्ड पे हमने टेस्ट कर लिया, अब हम जो बोर्ड का जो डायग्राम है इसके थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि वो फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगे हुए हैं। अब इनमें से कोई फॉल्टी हुआ तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब इनको वन बाय वन टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो कर लेंगे। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू, मतलब आपको समझाने के लिए कि हम लोग किस तरह की स्टडी कराते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमसे रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब